कभी चोरी की है, ऐसी चोरी जो लीगल हो, जहां घर का मालिक खुद आपके लिए दरवाजे खोले और कहे आओ और सामान ले जाओ। भारत में कुछ ऐसा ही हो रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। एज अ सिटीजन आपको हर पैसे का हिसाब रखना पड़ता है। कुछ हजार रुपए भी इधर के उधर हुए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी मारता है। टैक्स पेयर्स के लिए रूल स्ट्रिक्ट हैं, कंपनीज के लिए कंप्लायंसेस स्ट्रिक्ट हैं। एक सैलरीड एम्प्लॉय को हाथ में पैसा आने से पहले ही उसमें से टैक्स कट करके ही पैसा आता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा कहाँ से आ रहा है, ये बात सीक्रेट क्यों? इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कुछ लोग दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम कह रहे हैं, और ऐरे गहरे लोग नहीं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के हस्बैंड ने भी इस इशू को दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम कहा है। क्या है इसका सच और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आपको लग रहा होगा कि नेशनल अवार्ड के बाद हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा, हम सवाल पूछना बंद कर देंगे और बिक जाएंगे। सरकार को पॉल्यूशन पर बात करनी होगी, क्रिमिनल्स को सीटें देना बंद करना होगा, और इंटरनेशनली हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग सुधारनी होगी। हमारा पासपोर्ट सबसे बेस्ट है, सरकार में कोई क्रिमिनल है ही नहीं, हमारी हवा सबसे प्योर है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द फेथ दैट यू हैव शोन इन अस, बट यू आर रॉन्ग। आज हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अगेंस्ट जंग क्यों छेड़ी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों हर एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ इस इशू में गंदे हुए हैं, और क्या ये मुद्दा सिर्फ भारत में ही होता है या हर जगह होता है, बॉटम लाइन क्या है, चलिए समझते हैं। दुनिया भर में होने वाले इवेंट्स आप और मुझ जैसे कॉमन मैन को अफेक्ट करता है, फिर वो कोई स्कैम हो या फिर AI जैसा रेवोल्यूशन। 2024 की शुरुआत लेऑफ से हुई, गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट हजारों की तादाद में लोगों को फायर कर रहे हैं, और इसका एक मेन रीजन है AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ग्लोबल स्केल पर रिसेशन भी आ सकता है, ऐसे सिचुएशन में हम इंडियंस खुद का फ्यूचर सिक्योर कैसे कर सकते हैं, AI को विलेन नहीं दोस्त कैसे बना सकते हैं? सोल्यूशन है एक 3 आवर ChatGPT और AI का वर्कशॉप। ये होता तो एक पेड वर्कशॉप है, लेकिन आप हमारे खास ऑडियंस है, इसीलिए आप में से हजार लोगों के लिए ये वर्कशॉप होगा बिल्कुल फ्री। ऑलमोस्ट 1,000,000 लोगों ने इस वर्कशॉप को ऑलरेडी अटेंड किया हुआ है, और वो लोग AI की मदद से अपने आप को और अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। AI की मदद से स्मार्ट जॉब हंटिंग कर रहे हैं, यूनिक और हाईली अपीलिंग रेज्यूमेस बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा को इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, और पर्सनल ब्रांडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। मैंने खुद पिछले साल ग्रोथ स्कूल का ये AI वर्कशॉप किया था, और मैं इसे 5 out of 5 रेटिंग दूंगा। चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट से हो, IT, सेल्स, मार्केटिंग या HR, फाउंडर हो या फ्रीलांसर, ये वर्कशॉप सबके लिए है। और पहले 1,000 व्यूअर्स के लिए ये वर्कशॉप है बिल्कुल फ्री, तो आज ही अपना स्पॉट रिजर्व कीजिए, देरी मत कीजिए, कहीं AI के रेस में आप पीछे ना छूट जाए। Chapter 1, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आइडिया। बात है 2017-18 की, जब अरुण जेटली जी ने पॉलिटिकल फंडिंग के लिए एक नया रास्ता इंट्रोड्यूस किया। अरुण जेटली जी तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किए, लेकिन कैसे, मनी बिल के तौर पर, जिसकी वजह से राज्यसभा में इस मुद्दे पर वोटिंग नहीं हुई, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पैसे खाने का एक लीगल बिजनेस बन गया। ये रूट यानी ये तरीका कितना सही है और कितना गलत, ये मामला अभी भी सब जुडिस है, यानी कोर्ट्स ने इस पर फैसला नहीं सुनाया है। ये बॉन्ड्स काम कैसे करते हैं? SBI इन बॉन्ड्स को इन डिनोमिनेशंस में प्रस्तुत करता है। ये बॉन्ड एक कूपन की तरह काम करता है, कोई भी इन बॉन्ड्स को खरीद सकता है और किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। 15 दिनों के अंदर अंदर उस पॉलिटिकल पार्टी को SBI में जाकर बॉन्ड्स के बदले पैसे लेने पड़ते हैं। यू सी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खासियत ये थी कि खरीदने वाले को ये अश्योरेंस दिया गया था कि ये बॉन्ड्स अनोनिमस होंगे, यानी किसने किसे डोनेट किया है और कितना डोनेट किया है ये कभी पता नहीं चलेगा। आपको बता दें कि सेक्शन 80GGC के अंडर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को किसी इंडिविजुअल ने दिए हुए डोनेशन टैक्स फ्री होते हैं, वैसे ही प्रोविजन सेक्शन 80GGB में कंपनीज के लिए भी है। ये प्रोविजन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पहले भी था और बाद में भी होने वाला है, यानी ये लोगों के लिए टैक्स बचाने का एक बेहतरीन तरीका है। कैसे, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। Step 1, किसी ऐसे नेता को ढूंढो जो लोकल लेवल पर काम करता हो। Step 2, उसे कुछ करोड़ रुपए का चेक दे दो और टैक्स बचाओ। Step 3, उससे कैश में 90% ले लो और बाकी 10% उसे रखने दो, यानी देश का नुकसान करो और खुद का और नेता का फायदा। इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले 20,000 से ज्यादा कैश में डोनेट करना है तो उसका डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करना पड़ता था,
जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बगैर करप्शन हो नहीं रहा था। उड़ीसा और झारखंड में नेताओं के घर पर 200 करोड़ कैश में मिले थे, याद तो होगा ना। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने इस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसे सिर्फ पार्टी के मेन अकाउंट में ही रिडीमेबल होते हैं, यानी लोकल लेवल पर करप्शन कम होगा इसकी गारंटी है, लेकिन बड़े लेवल पर करप्शन कम होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। चैप्टर 2, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स अच्छे इंटेंशन से बनाए गए थे तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसका डेटा पब्लिकली अवेलेबल ना होना एक नए प्रॉब्लम को जन्म देता है। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और SBI को 21 दिन दिए इन बॉन्ड्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देने के लिए। इसमें डेट ऑफ परचेज, नेम ऑफ परचेजर एंड नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी शामिल होना जरूरी था। SBI यहाँ डीले करने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि उन्हें डेटा कलेक्ट करने के लिए 4 महीने लगेंगे, कहा कि कोई सेंट्रल डेटाबेस था ही नहीं। ये समझने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है कि 4 महीने में इलेक्शंस खत्म हो जाते, और ये इन्फॉर्मेशन सामने आने से पहले पब्लिक वोट दे चुकी होती। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्वियसली नो कहा। SBI भारत के लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो 50 करोड़ कस्टमर्स को सर्व करती है। उनके लिए सिर्फ 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा प्रेजेंट ना कर पाना बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी। फाइनली ये डेटा रिवील हुआ और पता चला कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को सेम डोनर से भी पैसे मिले हैं। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने 1,368 करोड़ रुपए डोनेट किए, और वो भी अलग अलग पार्टीज को। ये बात सिर्फ एक डोनर की नहीं, अलग अलग डोनर्स में ये एक पैटर्न दिखता है। लेकिन लॉजिक क्या हो सकता है? यूजुअली अगर किसी कंपनी को एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है तो उसे ही सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अगर एक कंपनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करती है तो लगता है कि वो सबको पैसे खिला रहे हैं ताकि वो चुप बैठे, अपना मुंह ना खोले। चलिए डेटा देखते हैं। टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड्स में से 47.5% एक पार्टी को, यानी BJP को मिले, जिनकी टोटल वैल्यू है 6060 करोड़। लेकिन बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस स्कीम का भरपूर लाभ उठाया है, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस ने 1609 करोड़, कांग्रेस ने 1421 करोड़, DMK ने 639 करोड़। यानी अगर अज्यूम किया जाए कि ये सारे पैसे भ्रष्टाचार के पैसे हैं, तो सारे पार्टीज चोर हैं, किसी के भी हाथ दूध से धुले हुए नहीं है। एक पार्टी का दूसरे पार्टी को चोर कहना हिपोक्रेसी है, या तो सब चोर है या फिर कोई भी चोर नहीं है। 1,000 रुपए की चोरी और 6,000 रुपए की चोरी में सिर्फ अमाउंट का फर्क है, चोरी का नहीं, लीगैलिटी का नहीं। चैप्टर 3, तो प्रॉब्लम क्या है? चलिए अब समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में प्रॉब्लम्स क्या थे। आप किसी भी कैंडिडेट को वोट क्यों देते हैं? यही सोचकर कि वो आपका लीडर होगा, आपके प्रॉब्लम्स पर सलूशन ढूंढेगा और पार्लियामेंट में आपके लिए फाइट करेगा। लेकिन अगर उसी लीडर की पार्टी को 1,000 करोड़ रुपए एक ऐसी कंपनी से आ रहे हैं जो आपके खिलाफ हो, तो फॉर एग्जाम्पल आपके एरिया में एक फॉरेस्ट है जहाँ माइनिंग होने वाली है, आपको लगता है कि माइनिंग नहीं होनी चाहिए, तो आप एक ऐसे लीडर को वोट देते हो जो अपने भाषण में कहता है कि माइनिंग होने नहीं देंगे। लेकिन उसी लीडर की पार्टी को एक ऐसी कंपनी ने पैसे दिए हैं जो माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड कर रही है, तो नेचुरली वो आपके एक वोट की कदर करेगा या डोनेशन की। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा सामने आता है। पहले डोनर्स का नाम क्लियर नहीं था, तो आपके लिए ये फिगर आउट करना इम्पॉसिबल था कि एग्जैक्टली किस पार्टी को किसने डोनेट किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से अब ये डेटा सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि जो कंपनीज खुद प्रॉफिट ही नहीं कमाती, वो कैसे और क्यों पैसे डोनेट करेंगी। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कंट्रीब्यूशन पर कंपनी के नेट प्रॉफिट के बेसिस पर कोई ना कोई कैप होना जरूरी है। पब्लिक कंपनीज के लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जरूरी है। लॉस मेकिंग कंपनीज के लिए पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अवैध होना चाहिए। जिनके पेंडिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है या डिस्प्यूट्स या इन्वेस्टिगेशन जारी है, उन्हें कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउ ही नहीं होने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी और डोनेटिंग कंपनी की इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होनी चाहिए। 41 कंपनी जो CBI, ED और इनकम टैक्स की इंक्वायरी से गुजर रही थी, उन्होंने कुल मिलाकर 2,471 करोड़ रुपए रूलिंग पार्टी को डोनेट किए। फ्यूचर गेमिंग पर इनकम टैक्स का इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ और 3 महीनों के अंदर अंदर उन्होंने 60 करोड़ के बॉन्ड्स BJP को दिए। अरबिंदो फार्मा पर ED की रेड हुई और कुछ ही समय में 5 करोड़ के बॉन्ड्स BJP को मिले। आप ही सोचिए, क्या ये कोइंसिडेंस है? अब सवाल बनता है कि क्या इन्वेस्टिगेशंस पर इन डोनेशंस का कुछ इम्पैक्ट हुआ? क्या ये सारी इन्वेस्टिगेशंस रफा दफा कर दी गई? जहां 2,400 करोड़ से ज्यादा डोनेट किए जाते हैं, वहां
एक्चुअल स्कैम की वैल्यू कितनी होगी, सोचने जैसी बात है। वैसे ही 33 ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्हें 172 कॉन्ट्रैक्ट्स या प्रोजेक्ट अप्रूवल सरकार से मिले, उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेट किया। 30 शेल कंपनीज भी है जिन्होंने 143 करोड़ रुपए डोनेट किए। यानी अलग अलग टाइप से इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल हुआ है। एक है चंदा दो और धन डालो, जो डोनेशन करेगा उसे ही बिजनेस मिलेगा, सरकार और कंपनीज के बीच नेक्सस बढ़ेगा। दूसरा है एक्सटॉर्शन, एक बड़े स्कैम को छुपाने के लिए रिश्वतखोरी, पे अस मनी सो दैट वी डोंट हैरास यू एंड मेक योर लाइफ अ कंप्लीट हेल। और तीसरा है किकबैक, यानी बड़े कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा हिस्सा वापस रिटर्न करना ताकि अच्छी दोस्ती बनी रहे। इन तीनों रीजन से अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए हैं तो ये आपसे हुई चोरी है, क्योंकि आपने टैक्स के रूप में जो पैसा सरकार को दिया, सरकार को, किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, वो पैसा आपसे लेकर बिजनेसमैन को मिला, कैंपेनिंग में यूज हुआ, और ये प्रॉब्लमेटिक है। बट ये सारी बातें एट दिस मोमेंट सिर्फ एलिगेशंस हैं। आज तक कोर्ट में सिर्फ ये प्रूव हुआ है कि बिजनेसेस ने पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसे दिए, वो क्यों दिए हैं, एग्जैक्ट रीजन क्या है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। रीजंस को पिन पॉइंट करना डिफिकल्ट है। इन सारी बातों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि कंपनीज को बताया गया था कि आपके डोनेशन का डेटा प्राइवेट रखा जाएगा, ये डेटा अनोनिमस होगा और ये फंडिंग कहां से आई है ये पता करना इम्पॉसिबल होगा, जो एक वोटर के राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट करता है। इस मेन प्रॉब्लम को सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया है और ये सारा डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर पब्लिकली अवेलेबल किया है। अब ये वोटर पर है कि वो डेटा को कैसे इंटरप्रेट करता है। चैप्टर 4, क्या ये स्कैम है। पॉलिटिकल फंडिंग सिर्फ भारत में ही नहीं, हर बड़ी डेमोक्रेसी में होती ही है। अमेरिका में तो लॉबीज होती हैं, टोबैको लॉबी, फार्मा लॉबी, इंश्योरेंस लॉबी, अपने फेवरेट कैंडिडेट के कैंपेन्स को फंड करती हैं और इन रिटर्न उन्हें जैसे चाहिए वैसे पॉलिसी बनवा लेती है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इससे डेमोक्रेसी सिर्फ ऑन पेपर ही रह जाती है। यानी अल्टीमेटली आप वोट तो दे सकते हैं लेकिन कुछ बिजनेसेस पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं। इसे ओलिगार्की कहते हैं, जो रशिया में आज भी है। चंद लोगों के हाथ में पावर और डेमोक्रेसी सिर्फ पेपर पर। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक स्कैम है? इस सवाल का जवाब उतना आसान नहीं है जितना लगता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको नोटिस होगा कि उन्होंने भी स्कैम इस शब्द का इस्तेमाल एक भी बार नहीं किया। इलेक्शंस रिक्वायर मनी, कैंपेनिंग रिक्वायर्स मनी। ऑडियंस में से कई लोगों को लगता होगा कि इलेक्शंस सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी और आप ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज में होती हैं। लेकिन असल में भारत में 6 नेशनल पार्टीज, 56 स्टेट पार्टीज और तो और 2700 से भी ज्यादा छोटी बड़ी अनरिकग्नाइज पार्टीज हैं। सिवाय इनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी इलेक्शंस लड़ते हैं, लेकिन कितने परसेंट सक्सेसफुल होते हैं ये डेटा देखिए। 1951 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का सक्सेस रेट 6.9% था, जो धीरे धीरे कम होकर 2014 तक 0.1% हो गया। ऐसा नहीं है कि कम लोग इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस लड़ रहे हैं। 1951 में जहां कुछ 1800 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, 2014 में 8000 से भी ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे। लेकिन आप में से कई लोगों ने उनके बारे में सुना भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास कैंपेनिंग के लिए पैसे नहीं होते। पैसे किनके पास होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के पास, जो रैलीज में, एड्स में, पब्लिसिटी में खर्च कर सकते हैं। एक ट्रेलर के बगैर पिक्चर भी नहीं बिकता तो नेता क्या बिकेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक बड़ा इशू है और उससे भी बड़ा एक इशू है, और वो है पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंट ना होने का इशू। पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने के लिए टैक्स कंसेशन मिलना जरूरी क्यों? पॉलिटिशियंस को फंड करके कौन सी देश सेवा हो रही है? आई हेट टू से दिस, आई एब्सोल्युटली डू, बट जो दिखता है वही बिकता है और जो बिकता है वही सबसे ज्यादा दिखता है। 2017 से पहले, इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग नहीं मिला करती थी? ऑफ कोर्स मिला करती थी। अरुण जेटली जी का ये भाषण सुनिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एक स्कीम बनेगी और मैं चाहूंगा कि सभी राजनीतिक दल उस स्कीम बनाने के लिए जो जो उनके सुझाव हैं हम लोगों को दें, ताकि इसको किस तरीके से बिल्कुल क्लीन किया जा सके। कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल चेक के माध्यम से कोई भी डोनर खरीद सकता है, जो खरीदेगा उसको उतनी टैक्स में छूट मिलेगी, खरीदारी के कुछ समय के भीतर, छोटे समय में, 3 या 4 सप्ताह में वो रिडीमेबल होगा, केवल पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में होगा और केवल हर पार्टी का एक अकाउंट होगा जो प्री डिक्लेयर्ड होगा इलेक्शन कमीशन में, इसमें रिडीमेबल होगा। चलिए फोकस भारत पर करते हैं, ब्लेम गेम से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हार्ड ट्रूथ्स क्या है। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनफेयर है? यस, क्योंकि वो डोनर की आइडेंटिटी को छुपाते हैं और इससे करप्शन बढ़ सकता है। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स अच्छे इंटेंशन से सामने लाए गए थे,
The answer is also yes. Political funding के बगैर campaigning नहीं होती, और अगर political parties को fund करने के legal तरीके नहीं मिले तो वो illegal तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। Gangsters से पैसे लेंगे, black money रखेंगे। ये campaigning का पैसा black money होना चाहिए या white money? यही मुद्दा था और आज भी है। क्या इससे corruption कम हुआ है? Yes and no. क्योंकि local level पर जो cooperators आपको तंग करने आते हैं, रास्ते खोते हैं और आपकी जिंदगी को मुश्किल करते हैं, उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो तो करप्शन करेंगे ही, वो तो पैसे खाएंगे और वसूली करने आएंगे भी। चलिए मूल मुद्दे पर आते हैं। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है? Well, it depends. The answer is yes. अगर आपको लगता है कि political parties और companies के बीच कोई भी financial connection नहीं होना चाहिए। Elections merit के तौर पर तभी होंगे जब कोई भी party campaigning करेगी ही नहीं, political funding लेगी ही नहीं। लेकिन अगर आपका जवाब हाँ है तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप हर उस कैंडिडेट को एक इक्वल मौका दे जिसके पार्टी के बारे में आपने कभी सुना ना हो। आपके वोट के बारे में आप सिर्फ इलेक्शन के दिन पर ही नहीं, इलेक्शन से पहले भी और बाद में भी थोड़ा सोचें। ACI के वेबसाइट पर जाएं और देखें कि आपके एरियाज में कौन कौन से कैंडिडेट्स खड़े हैं और वो आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है? The answer is no. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट में भी स्कैम इस शब्द का एक भी बार इस्तेमाल नहीं हुआ है। एग्जैक्टली क्रिटिसिज्म डेटा पब्लिक ना होने के इशू पर हुआ है। ये स्कैम नहीं है। अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स हमेशा से करप्शन से जुड़ा हुआ है, पैसे खाने का धंधा नया नहीं है, बस तरीका अलग है। आज तक हर पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल किया है, एक्सेप्ट CPI। अगर इसे स्कैम कहना है तो हर पॉलिटिकल पार्टी के फंड्स को फ्रीज करना चाहिए और हर एक इलेक्शन कैंडिडेट को खारिज करना चाहिए। फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए। जो भी पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड से आए हैं वो सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाने चाहिए, ताकि वो उन चीजों पर खर्च हो जिनसे हमें फर्क पड़ता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट। अगर पॉलिटिकल फंडिंग के स्कैम को रोकना है तो एक तरीका है, कैंपेनिंग पर होने वाले खर्चे पर एक लिमिट लगाओ। कह दो कि कोई भी कैंडिडेट अपने कैंपेन पर 10 लाख से ऊपर खर्च नहीं कर सकता और कोई भी एक पार्टी इन टोटल 10 करोड़ से ऊपर खर्च नहीं कर सकती। वीडियो के एंड में लेट अस आस्क सम हार्ड क्वेश्चंस। कैन द सुप्रीम कोर्ट आस्क द डोनर्स द रियल रीजंस व्हाई दे मेड दीस डोनेशंस? क्या हर पार्टी खुलकर सामने आ सकती है और कह सकती है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं तो फिर पॉलिटिकल फंडिंग होगी कैसे, कैंपेनिंग होगी कैसे? क्या एक वोटर किसी भी काबिल इंसान को वोट देगा जिसने कोई भी कैंपेनिंग की ही नहीं? क्या इलेक्शंस को फंड करने का कोई अल्टरनेट और कोई सही तरीका हम सजेस्ट कर सकते हैं? ये सवाल इम्पोर्टेंट है और ये सब तक पहुंचना जरूरी भी, उतना ही जरूरी जितना ये AI का वर्कशॉप सब तक पहुंचना जरूरी है। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ग्रोथ स्कूल। AI के साथ अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए और खुद के करियर को AI का एडवांटेज दीजिए। आप में से पहले 1000 व्यूअर्स जो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे और रजिस्टर करेंगे, उनके लिए ये वर्कशॉप होगा बिल्कुल फ्री। सो हरी अप, कहीं ये फ्री मौका छूट ना जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कई सारे फ्लॉज हैं। ट्रांसपेरेंसी का फ्लॉ है, क्विड प्रो को का फ्लॉ है, एक्सटॉर्शन का फ्लॉ है, और हमें एज ए सिटीजन ये याद रखना होगा कि देश का पैसा कैंपेनिंग के लिए यूज होना गलत है, स्कैम्स को छुपाने के लिए अथॉरिटीज को ब्राइब्स देना गलत है, वसूली गलत है। और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले इलेक्शंस में काबिल कैंडिडेट्स को वोट दें। इलेक्शन के दिन को छुट्टी का दिन नहीं, कर्तव्य का दिन माने। और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुँचाने से मुझे फर्क पड़ता है।